स्कूल में आपको बताया होगा कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स ये सब एक पार्टिकल शेप में कुछ ऐसे दिखते हैं, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी पढ़ो। लेटेस्ट क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये सॉलिड नहीं बल्कि एनर्जी के फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिनके फ्लक्चुएशंस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस फोटो में ये व्हाइट पार्ट हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पीक है, जो जनरली बदलता रहता है। और इससे भी पहले ये एज अ वेव अपीयर होते रहते हैं, जो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से एक जगह पर कंसंट्रेट होकर ऐसा रिजल्ट देते हैं जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है। और इस एनर्जी से हम इंसान ऐसे सॉलिड कैसे, अगली शॉट में। तो सब्सक्राइब।